हेलो व्यूवर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स स्टडी करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा नेटवर्किंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल हैविंग डैश टाइप्स। कितने तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स है? ऑप्शंस है 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 3। इन सिंप्लेक्स चैनल फ्लो ऑफ डेटा इज। सिंप्लेक्स चैनल में डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ऑलवेज इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन बट वन एट अ टाइम, ऑल ऑफ द अबो। सही जवाब है ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स चैनल में कभी भी एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसमिट होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। कम्युनिकेशन कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किस तरह का होता है, यानी ट्रांसमिशन किस तरीके का होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस है ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है सिंप्लेक्स, क्योंकि सिर्फ कीबोर्ड से कंप्यूटर को डेटा कम्युनिकेशन होता है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सिंप्लेक्स सही जवाब है। मोबाइल फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। मोबाइल फोन किस तरीके का कम्युनिकेशन चैनल का एक एग्जाम्पल है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स यानी दोनों पार्टी, जिसने कॉल किया है और जिसने रिसीव किया है, दोनों एट ए टाइम साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फुल डुप्लेक्स। दोनों एक ही टाइम में बात कर सकते हैं, इसीलिए इसको फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। इनमें से कौन सा ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का प्रॉपर्टी नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस में से सही जवाब है ट्विस्टेड पेयर केबल कैरीज सिग्नल्स एज लाइट वेव्स। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कभी भी लाइट वेव्स नहीं ट्रांसमिट करते। तो इन ट्विस्टेड पेयर वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटीरियल एंड आउटर लेयर कॉल्ड। ट्विस्टेड पेयर वायर में कभी भी वायर्स ट्विस्टेड रहते हैं और वायर्स के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, दोनों के ऊपर और एक आउटर लेयर रहता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेम, कवर, डिस्क, ब्लॉक, जैकेट। सही जवाब है जैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबलिंग। कोएक्सियल केबलिंग का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है हाई सिक्योरिटी, फिजिकल डायमेंशन, लॉन्ग डिस्टेंसेस, इजिली टैप्ड। सही जवाब है फिजिकल डायमेंशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड्स। इनमें से कौन सा केबल डेटा को हाई स्पीड से ट्रांसमिट करता है? यहाँ पे ऑप्शन है फ्लैट केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी केबल। सही जवाब है ऑप्टिक फाइबर केबल। Which of the following is an advantage for using fiber optics data transmission? तो इनमें से कौन सा advantage है जो fiber optic data transmission का है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है resistance to data theft, fast data transmission rate, low noise level, all of the above। सही जवाब है low noise level। Networking using fiber optic cable is done as। फाइबर ऑप्टिक केबल इस्तेमाल करके जब भी हम नेटवर्क करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है इट हैज़ हाई बैंडविड्थ, इट इज़ थिन एंड लाइट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और पावर सर्जेस एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। इनमें से कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का प्रॉपर्टी नहीं है? तो ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, वेरी रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल्स इज सेड टू बी। जब भी केबल नेटवर्क में कनेक्ट होता है बिना केबल इस्तेमाल किए हुए, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड,
केबल्ड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, वायरलेस। सही जवाब है ऑप्शन ई, वायरलेस नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल, इनमें से कौन सा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल है? ऑप्शन है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर। ऑल आर ऑपरेटिंग एट नियरली द सेम प्रोपगेशन स्पीड। सही जवाब है माइक्रोवेव। बैंडविड्थ रेफर्स टू, बैंडविड्थ का मतलब क्या है? इन पांच ऑप्शनों में से सही जवाब है ऑप्शन डी, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन मीडियम कैन ट्रांसफर इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है? ऑप्शन है बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस, एबीपीएस, एमबीपीएस। सही जवाब है जीबीपीएस, यानी गीगाबिट्स पर सेकेंड। और एन डैश इज कम्पोज ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टूगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा, तो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेस और डेटा शेयर करने के लिए बने हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन, हाइपरलिंक, प्रोटोकॉल। सही जवाब है नेटवर्क। व्हाट डू वी कॉल फॉर द अरेंजमेंट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर फिजिकली केबल से कनेक्ट करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर को शेयर कर सके, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन है URL, नेटवर्क, सर्वर, इंटरनेट, मोडम। सही जवाब है नेटवर्क। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउज कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिला के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दो कंप्यूटर के बीच में होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है नेटवर्क, बैकअप सिस्टम, सर्वर, पेरिफेरल, मोडम। सही जवाब है नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ नेटवर्क्स, इनमें से कौन सा नेटवर्क से एसोसिएटेड है? इनमें से कौन सा टर्म नेटवर्क से एसोसिएटेड है? एमएस एक्सेल, माउस, वर्ड, कनेक्टिविटी, प्लॉटर। सही जवाब है कनेक्टिविटी। जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम फिजिकली बाई मीन्स ऑफ केबल नहीं तो वायरलेस मीडियम से कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए कनेक्टिविटी नेटवर्क से एसोसिएटेड है, तो इसीलिए ऑप्शन डी कनेक्टिविटी सही जवाब है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड रिसोर्स कौन सा है? ऑप्शंस है प्रिंटर्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है प्रिंटर्स। आपने कहीं पर देखा होगा, नहीं तो किसी ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं सिर्फ एक या दो प्रिंटर सिस्टम से या नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंटर को प्रिंट कमांड दे सकते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं हार्डवेयर प्रिंटर एज अ रिसोर्स दैट इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूजर्स इन अ नेटवर्क। द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड ऑफ द इंटरनेट वॉज, सबसे पहला इंटरनेट का नेटवर्क कौन सा था? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस अर्पानेट, NSFNet, VNet, INet। सही जवाब है अर्पानेट। Pathways that support communication among the various electronic components on the system board are called, options hai network lines, processors, logic paths, bus lines, gateway. Sahi jawab hai processors. What do we call a network whose elements may be separated by some distance? It usually involves two or more network and dedicated high speed telephone lines. ऑप्शंस है LAN, WAN, URL, सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब। सही जवाब है LAN, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। LAN कैन यूज डैश आर्किटेक्चर, LAN किस तरीके का आर्किटेक्चर इस्तेमाल करता है? ऑप्शंस है पीयर टू पीयर, क्लाइंट एंड सर्वर, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। सही जवाब है बोथ ए एंड बी, यानी पीयर टू पीयर,
क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर प्लान इस्तेमाल करता है। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ। ईथरनेट, टोकन रिंग और टोकन बस किस तरीके के कम्युनिकेशन चैनल्स है और किस टाइप के कम्युनिकेशन चैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस, वैन, लैन, कम्युनिकेशन चैनल्स, फिजिकल मीडिया, नन ऑफ द अबोव। सही जवाब है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। द एडवांटेज ऑफ लैन इज, लैन का एडवांटेज क्या है। ऑप्शंस है शेयरिंग पेरिफेरल्स, बैकअप योर डेटा, सेविंग ऑल योर डेटा, एक्सेस द वेब, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ डेटा। सही जवाब है शेयरिंग पेरिफेरल्स। कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन कैन, लोकल एरिया नेटवर्क को जब भी हम कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो वो कंप्यूटर क्या कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, रन फास्टर, शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, गो ऑनलाइन, ईमेल, नन ऑफ द अबोव। सही जवाब है शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। डैश अलाउज लैन यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा। ऑप्शंस है कम्युनिकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, फाइल सर्वर, ऑल ऑफ द अबोव। सही जवाब है फाइल सर्वर। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग क्या है। ऑप्शंस है टू कनेक्ट लैंस, टू सेपरेट लैंस, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, ऑल ऑफ द अबोव। सही जवाब है टू कनेक्ट लैंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में इनमें से कौन सी आइटम और या चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शंस है इंटरफेस कार्ड, केबल, कंप्यूटर, मोडम। सही जवाब है मोडम। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज फोन लाइंस, किस तरीके का नेटवर्क फोन लाइंस का इस्तेमाल करता है। ऑप्शंस है वैन, लैन, डब्ल्यू वैन, वायरलेस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, इनमें से कौन सा सबसे छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। ऑप्शंस है पैन, डीएसएल, रैम, यूएसबी, सीपीयू। सही जवाब है पैन, यानी प्राइवेट एरिया नेटवर्क। दीज सर्वर्स स्टोर एंड मैनेज फाइल्स फॉर नेटवर्क यूजर्स, इनमें से कौन सा सर्वर है जो स्टोर और फाइल्स को स्टोर और मैनेज करता है नेटवर्क यूजर्स के लिए। ऑप्शंस है ऑथेंटिकेशन, मेन, वेब, फाइल। सही जवाब है फाइल सर्वर। डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट रहता है नेटवर्क के अंदर। तो ऑप्शंस हैं डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क स्विच। सही जवाब है नेटवर्क सर्वर। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग अ टाइम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मस्ट टेक प्लेस। ऑप्शंस है बिटवीन पीयर्स, बिटवीन एन इंटरफेस, बिटवीन मोडम्स, अक्रॉस एन इंटरफेस। सही जवाब है अक्रॉस एन इंटरफेस। A dash is an agreement between the communication parties on how communication is to proceed. Agreement दो communication parties में जब भी होता है उसको हम क्या कहते हैं। Options है path, SLA, bond, protocol। सही जवाब है protocol। Protocol एक rules agreement है जो दोनों parties के बीच में, communication parties के बीच में agree होता है, उसको हम protocol कहते हैं। A device operating at the physical layer is called, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। ऑप्शंस है ब्रिज, राउटर, रिपीटर, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है रिपीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद इन वन लैन, तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को लैन के अंदर कनेक्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, राउटर।
सही जवाब है स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इनमें से किस आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कर सके। यहाँ पे ऑप्शंस है मोडम, प्रोटोकॉल्स, गेटवे, मल्टीप्लेक्सर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मोडम। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिराइव दैट लिंक्स योर कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज थ्रू टेलीफोन लाइन्स? ऑप्शंस है मोडम, लैन, यूआरएल, बैन, सर्वर। सही जवाब है मोडम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मोडम? मोडम का फंक्शन क्या है? इन पांच ऑप्शनों में से सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। द हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट सेंड्स मैसेजेस बिटवीन नेटवर्क इज नोन एज। जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो नेटवर्क के बीच में मैसेजेस भेजता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ब्रिज, बैकबोन, राउटर, गेटवे, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। सही जवाब है अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? ऑप्शंस है राउटर, पिच, बस, ब्रिज। सही जवाब है बस। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। जब भी हम डिवाइसेस को एक ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज करते हैं नेटवर्क के अंदर तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, मीडिया, लैन, एंड सही जवाब है टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप? इनमें से कौन सा टोपोलॉजी जो ब्रॉडकास्ट टाइप नहीं है? ऑप्शंस है कार, बस, रिंग, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है बस टोपोलॉजी। जो ब्रॉडकास्ट टाइप टोपोलॉजीज में नहीं आता है। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। ऑप्शंस है स्टार, रिंग, बस, मैश, ट्री। सही जवाब है बस। बस टोपोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं उस नेटवर्क में सेम केबल के ऊपर सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी बस सही जवाब है। अब भी एसोसिएटेड विथ डैश नेटवर्क, अब कौन से नेटवर्क से एसोसिएटेड है? ऑप्शन है बस, रिंग, स्टार, मैश, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क। इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोजिशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डेटा। ऑप्शन है पैकेट, डेटा, एक्सेस मेथड, टोकन। सही जवाब है टोकन। इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स? इनमें से कौन सा टोपोलॉजी है जिसके अंदर हर एक नोड हर दूसरे नोड या दो दो नोड से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, नन ऑफ दीज। सही जवाब है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है। विच इज द नेम ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देर आर बाई डायरेक्शनल लिंक्स बिटवीन ईच पॉसिबल नोड? ऑप्शन है रिंग, स्टार, ट्री, मेश। सही जवाब है मेश। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज? अल्टरनेट नेम यानी और एक नेम जो नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है, ओके, उसको किस नाम से बुलाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है मेश, स्टार, ट्री, रिंग। सही जवाब है मेश टोपोलॉजी। विच इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी? इनमें से कौन सा हाईएस्ट रिलायबल टोपोलॉजी है? ऑप्शन है मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मेश टोपोलॉजी। P2P is a dash application architecture. P2P यानी point to point, ये किस तरीके का application architecture है? Options है client server, distributed, centralized, one tier, none of these. सही जवाब है client
सर्वर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर्स। ओएसआई लेयर के अंदर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कौन से लेयर के ऊपर काम करता है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, एट द एप्लीकेशन लेयर, एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, एट द नेटवर्क लेयर, एट द गेटवे लेयर। सही जवाब है एट द एप्लीकेशन लेयर। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शंस ऑफ। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसके फंक्शंस हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है प्रेजेंटेशन लेयर। नेम द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का चौथा लेयर का नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है एप्लीकेशन लेयर, डेटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ट्रांसपोर्ट लेयर। इन ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय। ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग किस तरह के होता है, यानी कौन से लेयर से होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है नेटवर्क लेयर। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा डिवाइस जो नेटवर्क लेयर में इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस है रिपीटर्स, राउटर्स, एप्लीकेशन गेटवे, स्विच। सही जवाब है राउटर। स्विचेस वर्क ऑन विच ओएसआई लेयर। स्विचेस कौन से ओएसआई लेयर के ऊपर काम करता है? ऑप्शंस है डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। सही जवाब है डेटा लिंक लेयर। इन आईटी नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में इनमें से कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस है रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे, ब्रिज। सही जवाब है रिपीटर। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स डैश पाथ और पाथ्स एंड डैश चैनल और चैनल्स। ऑप्शंस है वन वन वन, मल्टीपल मल्टीपल वन, मल्टीपल मल्टीपल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है वन मल्टीपल। मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स वन पाथ एंड मल्टीपल चैनल्स। अ प्रोसेसर दैट कलेक्ट्स द ट्रांसमिशंस फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन मीडिया एंड सेंड्स देम ओवर अ सिंगल लाइन दैट ऑपरेट्स एट अ हायर कैपेसिटी इज कॉल्ड। ऑप्शंस है मल्टीप्लेक्सर, ब्रिज, हब, राउटर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मल्टीप्लेक्सर। टू सेंड डेटा और मैसेज टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर्स द नेटवर्क सॉफ्टवेयर पुट्स द मैसेज इंफॉर्मेशन इन अ। ऑप्शंस है एनआईसी, पैकेट, टेलर, हेडर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है पैकेट। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस। ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शंस है 64 बिट्स, 48 बिट्स, 32 बिट्स, 16 बिट्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है 48 बिट्स। ईथरनेट यूजर्स, ईथरनेट कौन से टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है? ऑप्शंस है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है बस टोपोलॉजी। इन नेटवर्क्स अ स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज। नेटवर्क के अंदर एक छोटा सा मैसेज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेजने के लिए क्या कहते हैं? ऑप्शंस है टोकन, बाइट, वर्ड, रिंग। सही जवाब है टोकन। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।